Our next term is valence shell or ultimate shell. What is valence shell? It is the outermost or last shell of an atom containing a valence electron. किसी भी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है या फिर लास्ट शेल होता है जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट शेल इज वैलेंस शेल और इट इज नोन एज अल्टीमेट शेल। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे एन। लास्ट शेल की वैल्यू है, दैट एन वैल्यू रिप्रेजेंट्स अल्टीमेट और वैलेंस शेल। नाउ एग्जांपल, अब यहाँ पे एक एलिमेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इट इज 14। नाउ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे शो करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वी नो दैट कि सिलिकॉन में 3 शेल्स होते हैं, तो मैं एन की वैल्यू मेंशन कर देता हूं। एन होगा 1, 2 and 3 और शेल्स कौन से होंगे? शेल्स होंगे के, एल एंड एम। अब हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में अरेंज करना है, तो वी नो दैट कि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 14 में जो बाकी रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे एम शेल में। तो यहाँ पे जो एम शेल है, दिस इज अवर वैलेंस शेल या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं दिस इज अवर अल्टीमेट शेल। और यहाँ पे जो एन की वैल्यू 3 है, ये वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं, दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज पैन अल्टीमेट शेल। नाउ ये जो हमने वैलेंस शेल पढ़ा, दैट इज अल्टीमेट शेल, जो शेल वैलेंस शेल से पहले फिल होता है, दैट इज पैन अल्टीमेट शेल। तो मेंशन कर देता हूं, इट इज द शेल विच इज फिल्ड बिफोर वैलेंस शेल और अल्टीमेट शेल। दैट मीन्स जो शेल वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल से पहले फिल हो जाता है, दैट इज पैन अल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल की जो वैल्यू है इट वॉज एन, तो पैन अल्टीमेट शेल की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 1 लेस देन अल्टीमेट शेल, यानी इट्स वैल्यू इज एन माइनस 1। एग्जाम्पल, यहां पे एक एलिमेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, मैग्नीशियम, सिंबॉल इज Mg। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 12। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले मैं मेंशन कर रहा हूं n की वैल्यूज। अब मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए वी नीड 3 शेल्स, तो मैं n को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि n होंगे 1, 2 and 3 और जो शेल्स होंगे दे विल बी k, l एंड m। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फिल करेंगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देन सेकेंड शेल में 8 एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे थर्ड शेल में। अब वी नो दैट कि हमारा जो थर्ड शेल है, दैट इज अल्टीमेट शेल, दैट इज वैलेंस शेल, बिकॉज उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो शेल वैलेंस शेल से जस्ट बिफोर फिल हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन माइनस 1 एंड दिस एल शेल इज अवर पेन अल्टीमेट शेल। तो वैलेंस शेल से पहले फिल होने वाले शेल को हम लोग पेन अल्टीमेट शेल बुलाते हैं। नोट, अ पार्ट ऑफ एटम अप टू पेन अल्टीमेट शेल इज नोन एज कर्नल और एटॉमिक कोर। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल को एक्सक्लूड करें, यानी वैलेंस शेल को अगर हम हटा दें, उसको छोड़ के बाकी जो भी इनर पार्ट है अप टू पेन अल्टीमेट शेल, मतलब अप टू सेकेंड लास्ट शेल, दैट पार्ट इज नोन एज एटॉमिक कोर या फिर हम इसे कर्नल से एक्सप्रेस करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज प्री पेन अल्टीमेट शेल और इट इज ऑल्सो नोन एज एनपी पेन अल्टीमेट शेल। सो प्री पेन अल्टीमेट शेल और एनपी पेन अल्टीमेट शेल एक्चुअली किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थर्ड लास्ट शेल है। वी नो दैट कि लास्ट शेल इज अल्टीमेट शेल, सेकेंड लास्ट शेल इज पेन अल्टीमेट शेल एंड द थर्ड लास्ट शेल इज नोन एज प्री पेन अल्टीमेट और एनपी पेन अल्टीमेट शेल। मैं डिफाइन कर देता हूं, इट इज द
inner shell just before the penultimate shell. Now, pre-penultimate shell की value क्या होगी? We know that कि ultimate shell की value थी n, penultimate shell की value एक less थी, that is n minus 1. So, pre-penultimate shell की value होनी चाहिए n minus 2. तो मैं mention कर देता हूँ, its value is n minus 2. एक example देख लेते हैं. यहाँ पे एक element मैं select कर रहा हूँ, that is sodium, symbol is Na, atomic number 11. We have to write its electronic configuration. अब sodium के 11 electrons को अगर हम लोग arrange करेंगे, then we will need 3 shells to write its electronic configuration. तो मैं mention कर देता हूँ, जो n की value होगी, that will be 1, 2, 3. और shells कौन से use होंगे? They will be K, L and M. Now electrons को इनमें arrange करता हूँ, तो first shell में 2 electrons, second shell में 8 and third shell में 1 electron होगा. तो इस example में मैं तीनों shell को express कर देता हूँ. This is third shell जो कि हमारा है. Last shell, this last shell is known as ultimate shell और इसकी value है n जो कि होगी 3. Now this second shell is second last shell which is known as penultimate shell और इसकी जो value है that is n minus 1 जो कि है 3 minus 1. 2. And finally, in this example, ये जो first shell है, this shell is our third last shell. और ये जो third last shell है, that shell is pre-penultimate shell. और इसकी n की value क्या है? It is n minus 2. That is 3 minus 2, which is 1. तो किसी भी element की electronic configuration में, ये तीन type के shells express किए जा सकते हैं. Last shell is ultimate, second last shell is penultimate, and third last shell is pre-penultimate shell.